नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा। आज आपको मैं एक नया रहस्य बताऊंगा, रहस्य आवाज का रहस्य। आप सोचेंगे ये आवाज का रहस्य क्या है। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने पुरुषों को देखा होगा, स्त्रियों को देखा होगा, बच्चों को देखा होगा, तीनों को देखा होगा, आपका उनमें कुछ अंतर नजर आता है? नहीं। हाँ, आपने क्या देखा? आप देखते हैं पुरुष की आवाज़ जो होती है काफ़ी भारी होती है, जो स्त्रियाँ होती हैं उनकी आवाज़ मधुर होती है, जबकि बच्चे जो होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी तीखी होती है। तो आज मैं आपको वही आवाज़ का रहस्य बताऊंगी, क्यों अलग अलग मनुष्यों में, अलग अलग व्यक्तियों में आवाज़ें अलग अलग होती हैं, क्यों एक स्त्री की आवाज़ मधुर होती है एक पुरुष की तुलना। तो इसके पीछे कारण क्या है, मैं आज आपको यही बताने जा रही हूँ। तो देखिए, होता क्या है, अगर हम किसी भी पुरुष या स्त्री को देखते हैं तो उनका जो गला होता है, जो उनकी नेक होती है, उसमें क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इस तरीके से वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, पुरुष में इन वोकल कॉर्ड का जो साइज होता है 15 मिलीमीटर होता है, जबकि जो स्त्री होती है उसका जो वोकल कॉर्ड होता है उसका जो साइज है वो 11 मिलीमीटर के लगभग होता है। अब आप सोचेंगे कि केवल 15 और 11 की तो अंतर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इससे बहुत अंतर पड़ता है। क्या होता है कि जब इन वोकल हम जब बोलते हैं तो क्या होता है, वोकल कॉर्ड से क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हम सांस लेते हैं और जो हवा होती है वो अंदर जाती है। अंदर कोई स्थान तो होता नहीं है, यहाँ पे केवल हवा प्रेजेंट होती है, हवा उपस्थित होती है। अब क्या होती है, जब हवा जाती है तो ये बहुत तेजी के साथ वाइब्रेट करती है, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता, और इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होती हैं, क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कहलाती है। तो जो यहाँ पे जो बारंबारता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसी जो बारंबारता के कारण ही क्या होती है, आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। अब क्या होता है, पुरुष का ये साइज बड़ा है, जो वोकल कॉर्ड है उसका साइज बड़ा है, तो जो बारंबारता होगी, साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा, ये इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ठीक है, ये बड़ा होगा तो इनके बीच में क्या होगा, गैप ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रति सेकंड जो वाइब्रेशंस होने चाहिए वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। स्त्रियों में क्या होता है, ये चीज कम है, कम होने की वजह से ये वाइब्रेशंस क्या होते हैं, बहुत तेजी के साथ होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आवाज जो होती है वो पुरुषों के मुकाबले क्या होती है, थोड़ी सी पतली हो जाती है, हम कह सकते हैं कि मधुर होती है। यही तुलना अगर हम बच्चों से कर लें तो आपने देखा होगा बच्चों की आवाज़ें बहुत तीखी होती है, बहुत ज्यादा तीखी। छोटा बच्चा तो बहुत ही तीखा, जब चिल्लाता है तो कान फट जाता है। होता क्या है, फिर वही कारण है, उसका जो वोकल कॉर्ड है वो बहुत छोटा होता है, तो जो वाइब्रेशंस होती है बहुत क्विकली होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं, जिसकी वजह से आवाज़ क्या होती है, तीखी हो जाती है। यही कारण है कि जो पुरुष हैं, जो स्त्री हैं, जो बच्चे हैं, उनके जो आवाज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आज आप ये जान ही गए होंगे कि क्यों एक स्त्री की आवाज़ जो होती है मधुर होती है एक पुरुष के मुकाबले। ऐसे ही नई नई जानकारियों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में घंटी लगी हुई है, इस घंटी को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर नई जिज्ञासा के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।